सो व्हाट नॉर्मली हैपन्स ऑन अ 26 जनवरी? आप किसी से मिलते हो तो उन्हें हैप्पी रिपब्लिक डे बोलते हो, जो फॉरवर्डेड मैसेज आपको आते हैं उन्हें फिर से फॉरवर्ड कर देते हो बाकी ग्रुप्स में, स्टेटस लगा लेते हो, घर पे एक फॉर्मेलिटी के लिए एक छोटा सा झंडा ले आते हो इंडिया का, एंड 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 कई बार ऐसे भी होता है कि चेक करना पड़ता है कि 78th रिपब्लिक डे है या 76th है, कन्फ्यूजन हो जाती है और बहुत कुछ। बट वॉट इफ आई आस्क यू कि ऐसा क्या हुआ था या हो रहा है 26 जनवरी को जो लोग इतने क्रेज से इसे सेलिब्रेट करते हैं? अबे ओ, रिपब्लिक डे इतना भी नहीं पता? कौन सा स्कूल पढ़ता है बे तू? या आई एग्री रिपब्लिक डे है, पर रिपब्लिक डे मतलब क्या? अबे ओ, इतना तो हमें पता है हाँ, रिपब्लिक डे के दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा वो अडॉप्ट कर लिया गया था एंड इट केम इन टू फोर्स इन 1950। बनता है शान। सो मतलब तुम्हें रिपब्लिक डे का पता है? हाँ बिल्कुल पता है, फिर तो तुम हमारे देश के लॉज को भी जानते होगे, राइट? लॉज वो क्या चीज है भाई? हाँ मतलब एक दो याद है मुझे, मैंने रटे थे अभी जो मेरा पेपर आया था उसके लिए रटे थे। सिविक्स में क्या थे कि अगर कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है ही मस्ट बी क्या था, हाँ अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर जाना चाहिए। याद है मुझे, ऐसा नहीं हो तेरी तरह मैं। है अच्छा और बता, तू क्या पूछ रहा है? तुझे ज़्यादा पता है? मुझे मेरे देश का पता है, मैं हूँ स्कूल जाता हुआ बच्चा, तेरी तरह यूट्यूबर नहीं हूँ जो आके वीडियोज़ बना देता है, मैं हूँ पढ़ता हूँ। एग्ज़ाम में मेरे 95 आए थे हिस्ट्री सिविक्स में, उसमें से 40 आए थे 40 सिविक्स में। बात करता है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की देनी कुछ ऐसी है कि हमें जवाब ही ऐसे मिलते हैं। बट लेकिन अगर एक बार सोच कर देखो, व्हाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी? भाई यार सिंपल सा फंडा है, रिपब्लिक डे है, उसने बता तो दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन हमारा एडॉप्ट किया गया था इस दिन में। ठीक है यार, मैंने पिछली वीडियो में हिस्ट्री की गलतियां बताई थी जो मुझे लगती थी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आज मैं बोलूंगा सिविक्स की। तो इंडिया में यार जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें दिक्कत पता कहाँ आती है? कहाँ आती है बोल। इफ़ यू सी दैट, देखो मैं ICSE का बच्चा हूँ, मुझे CBSE का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं पता है जितना पता है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हमारा क्या है यार, हमें लॉस कराए जाएंगे, सिविक्स में है काफ़ी चैप्टर्स, 6 होंगे, 6 आई थिंक, 6 ही है, 6 ज़्यादा। बट पता क्या है, एग्ज़ाम पास करो वो लॉस को भूल जाओ, तुम्हारे कोई काम के नहीं। जो 10th में, जैसे अब मैं 9th में हूँ, जो 10th में बुक आएगी फिर उसके लॉस याद करो, तुम्हें उससे मतलब है, तुम्हें पिछले से मतलब नहीं है, तुम्हें देश वाले के लॉ से थोड़ी मतलब है, तुम्हें तो उससे मतलब है भाई। UPSC वगैरह की बात कर रहे हो तो अलग है, लेकिन तुम तो नंबरों के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हें देश के लॉ से थोड़ी फर्क पड़ता है। ये चीज़ यार गलत है, ये चीज़ गलत है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता, पर अगर मैं देखूँ तो हमारे टीचर्स वगैरह को भी नहीं पता होंगे इतने लॉज वगैरह का। रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉज वगैरह, ठीक है, कैसे गवर्न करना है वो सब उसमें लिखा है। तो यार बात वही है, हमें एज अ नागरिक जो होता है ना वो पढ़ना पड़ेगा। वो कैसे पढ़ेंगे? हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे? नहीं, नहीं समझ आएगा। पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है, किताब बदलनी है? नहीं, वो होता है सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या आता है तुम्हारा? पहला स्टेप आता है अपनी माइंड की थिंकिंग बदलना, अपना व्यू पॉइंट बदलना। मतलब समझ नहीं आया। देखो अगर तुम नंबरों के लिए पढ़ोगे तो तुम उतना ही पढ़ोगे जितना बुक में लिखा है। अगर तुम नंबरों से ऊपर उठ जाओगे, तुम कहोगे मुझे नंबर नहीं चाहिए, हाँ वो पेपरों से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले देखेंगे कि बिल्कुल नंबरों के लिए पढ़ना है, लेकिन अभी अभी मैंने सीखने के लिए पढ़ना है, सीखना है देश के बारे में और जानने के लिए पढ़ना है, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यार कि तुमने पॉलिटिक्स में जाना है तो ही इस चीज़ का काम, ये जो लॉज वगैरह तुम्हारे काम आएंगे, हर एस्पेक्ट में तुम्हारे आएंगे, क्योंकि तुम इंडिया में हो, जब तक इंडिया में इंडिया के लॉज तुम्हारे पे लागू होंगे, और अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम पे क्या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है तो तुम नहीं कर सकते कुछ बड़ा, राइट? अगर बिजनेस की भी बात करो उसमें भी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं, तुम्हें वो भी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए इन द सेंस पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ क्या, व्यू पॉइंट बदल लिया भाई, मैं नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं देश को जानने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कोई पॉइंट है पर्टिकुलर, उससे बुक में उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि बुक में वो क्या कहेंगे, ठीक है जी ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट है, उसमें ये 5 है चीज़ें, 5 लाइनें हैं, तो वहाँ पे रुकना नहीं है तुम्हें। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया या फिर उसे और डेप्थ में जाना है, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ना है, तो तुम गूगल करो, यूट्यूब करो, सब कुछ है यार, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन छापी हुई है अपने दिमाग में, पर
बट मैं सिर्फ एक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ दैट शुड बी डन एस बाय अस, राइट। अगर नंबरों के लिए भागोगे, जो कि आजकल हर बच्चा भाग रहा है, ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, फिर तुम जाओगे, फिर मोस्टली क्या होगा, इंजीनियरिंग करोगे, जेई की तैयारी करोगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। उसके बाद तुम यूपीएससी निकालोगे काफ़ी केसेस में, फिर यूपीएससी के बाद आईएएस आईपीएस वगैरह जाओगे, ठीक है। वो भी रास्ता है कोई, ऐसा मैं नहीं कह रहा वो गलत है, बट एक बुक है यार इंडियन पॉलिटी, उसमें हिस्ट्री वगैरह काफ़ी सही है हमारी बुक से तो। सो ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता था, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। अब ये तो मैंने अपना व्यू पॉइंट दे दिया कि ऐसे पढ़ो या ये सब करो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, नए कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्यों पड़ी थी? 1950 में हमारे एक अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 1947 में आज़ादी मिल गई थी, तो हमें इतना टाइम लगा था उसे लिखने वगैरह में, सब कुछ करने में। अब मैं उस कहानी में नहीं जाऊँगा कि कितनी किस डेट को हुआ था वो सब वो सब वो सब, लेकिन अगर सिंपल सी एक चीज़ लगाएं, क्यों ज़रूरत पड़ी भाई? जिन्होंने हम पे इतने साल राज किया था ना, समझ रहे हो, इतने साल राज किया, वो ऐसे सिंपल आए और गवर्न करने लग गए? नहीं, वो आए क्यों थे? अपना फ़ायदा कराने, अपना फ़ायदा कराने, सिंपल सा फंडा समझो। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा, मैंने कभी उससे हिस्ट्री की बुक से वगैरह से नहीं सीखा, ट्रस्ट में नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं पल्ले पड़ता, यूट्यूब से सीख लो, मैं भी बोल रहा हूँ सीखो। तो वो यार यहाँ पे हमारा भला करने नहीं आए थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा कराने आए थे, और वो करा के गए हैं, राइट। वो आप समझ नहीं सकते, हम कह रहे हैं स्कैम 1992, ठीक है, फिर आजकल तो ट्रेंड कर रहा है स्कैम 2020 या कुछ 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 मीम्स जो बन रहे हैं, लेकिन वो जो मतलब कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं था, पर वो जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का एरा था ना, वो असली स्कैम था इंडिया के लिए। मतलब आपको लग रहा है कि इंग्लैंड काफ़ी अमीर देश है, नहीं, हमारे से इतनी वेल्थ लेके गया है ना वो, वर्ल्ड वॉर्स में वो यूज़ हुआ, हमारा रेलवे सिस्टम जितना बना है हमारी पैसों से बना है, उन्होंने नहीं हमारे लिए बनाया, हमारी पैसों से बना है। और बनाया पता क्यों था? तुम्हें एक सिंपल सा फंडा बताऊं, इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ से जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सपोर्ट करना आसान हो फ्री में, ठीक है, उनके, क्योंकि देखो रेलवे सारा उनका है, उसमें वो इंडिया का माल बिना पैसे के फ्री में उठा के लेके जाएंगे, वहाँ से शिप करके वगैरह जो भी उनका रास्ता है वहाँ से कर देंगे, ये उनका फ़ायदा था, हमारा फ़ायदा नहीं था, समझो इस चीज़ को। अब मेरा ये पॉइंट का मतलब ये नहीं था कि तुम इंग्लैंड से और दुश्मनी पाल लो, हाँ वर्ल्ड कप तक ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है रिवेंज वाली भावना रखो, नहीं, मेरा कहना बस ये है कि उनको हमने फॉगिव कर दिया है, पर ये जो अब जो चीज़ें हुई हैं ना, इसे फॉगेट नहीं किया है। सो द मिशन ऑफ माई वीडियो इज़ क्लियर टू यू, आई होप सो, ठीक है। कोई फीलिंग्स हर्ट, किसी की फीलिंग्स हर्ट करना नहीं चाहता था मैं, एंड आई होप यू आर इंजॉइंग हैप्पी रिपब्लिक डे, इंजॉइंग रिपब्लिक डे, एनीथिंग एट होम सेफली। सो आई एम वेरी, यू नो आई एम रियली वेरी प्राउड टू से दिस टुडे, वेरी प्राउड। नमस्ते, जय हिंद। सो गाइज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, मीन्स यू शेयर मीम्स एंड ऑल, यू शेयर दैट हैप्पी रिपब्लिक डे पिक्स एंड ऑल, प्लीज़ इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट फॉर वन डे प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड मोर वीडियोज लाइक दिस विच टेल अस मोर अबाउट इंडियन कल्चर, और यू नो लाइक दिस वीडियो यू कैन नो लाइक अभियन्यु, ध्रुव राठी एंड ऑल दैट स्टफ, यू आर ऑन यूट्यूब टू। So that is it, guys. No likes needed, no subscriptions needed, subscriptions only sharing. Thank you.